मैं मनीष कौशिक, ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी बॉक्सर। मैं 63.5 केजी में खेलता हूँ। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैंने बॉक्सिंग 2008 में स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बेसिकली भिवानी से हूँ, तो हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है बॉक्सिंग। तो जैसे विजेंद्र सिंह हुआ, उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, तो उसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं स्टेट चैंपियनशिप खेला था हरियाणा में, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था, और उसी से फिर मैंने पहली बार नेशनल खेला था। ये 2010 की बात है। एंडी क्रूज जो क्यूबा के हैं, वो काफ़ी टेक्निकली साउंड काफ़ी फास्ट है। हाँ, हम काफ़ी टाइम से एक ही वेट कैटेगरी से खेलते हैं दोनों, तो हमारे बहुत मुकाबले होते रहते हैं यहाँ पे भी, नेशनल में भी, और जैसे कैंप में ट्रायल्स होती हैं और कैंप में ट्रेनिंग के दौरान भी। सर, जब रिजल्ट हो जाता है तो हाँ, आप लोग आपस में बात करते हैं, अरे भाई मैं तुमसे ऊपर हो गया? नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं करते हैं, भाई हम तुमसे ऊपर हो गया, पर हाँ वैसे हम दोस्त की तरह हैं, नॉर्मल फ्रेंड रहते हैं। जैसे हम विजेंद्र सिंह ही लगता है मुझको। राइट तो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम टाइम नेशनल कैंप में रहते हैं, तो वहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। तो जिस हिसाब से हमको न्यूट्रिशन बताते हैं कि कितना प्रोटीन की कितनी कैलोरी और कितना क्या कुछ खाना, तो उस हिसाब से बॉक्सिंग की वजह से मुझे जानते हैं, जो कुछ भी थोड़े बहुत जानते हैं मुझे, तो बॉक्सिंग की वजह से ही। बॉक्सर चैंपियन बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मेहनत करे अपने 100% से अपने ट्रेनिंग में, और बाकी एक सोच बना के खेले कि वहाँ क्या करना लाइफ में, आगे कहाँ तक जाना है। तो क्योंकि खिलाड़ी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आदमी को अपना पक्का मन रखना चाहिए और लगे रहना चाहिए। अब पहले तो उनको पता भी नहीं था कि इतना कुछ बॉक्सिंग के बारे में, क्योंकि हमारे फैमिली को स्पोर्ट्समैन भी रहा भी नहीं पहले, तो फिर मैंने स्टार्ट किया था। अब तो उनको काफ़ी पता है, उनको मेरे अपोनेंट्स का भी पता रहता है ज़्यादातर, को जानते हैं। फर्स्ट टाइम किया था मैंने अज़रबैजान बाकू। हाँ, कब की बात है, कौन सा कॉम्पिटिशन था ये? 2011 में था, सब जूनियर का, वहाँ का होता है प्रेजिडेंट हैदर लाइव कप, वो खेलने गया था। फेवरेट तो नहीं है, कोई अच्छी आती है तो मतलब कॉमेडी टाइप की पसंद है। लेटेस्ट कोई देखी मूवी आपने? नहीं अभी तो नहीं देखा, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया देखे। फेवरेट एक्टर कौन है आपका, या फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार। ओके, हाँ जी। मेरे हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं थोड़ा टेक्निकली ठीक हूँ, स्किल्स में मतलब जल्दी कैच कर लेता हूँ। हमको अपनी जैसे क्या कि मैं वैसे क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, कोई किस हिसाब से खेलता है, तो हमको अपने उसके अपोनेंट को देख के खेलना पड़ता है कि ये किस तरह खेलता है। हाँ, क्योंकि जो अपोनेंट को टफ पड़े, क्योंकि वो होता है कि हम एक होता है कि कोई एग्रेसिव खेलता है, कोई डिफेंस करके अटैक करता है, तो सबका अपना अपना अलग हिसाब है। बेस्ट टूर्नामेंट तो वही था जो मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था, क्योंकि उसमें बाउट मुझे इंजरी भी हुआ था, तो वो मेरे लिए बेस्ट टूर्नामेंट था। लोएस्ट इंजरी, हाँ इंजरी काफ़ी टाइम ले गई मेरा, पहले बाइसेप्स का हो गया था, फिर अभी डिस्क में हो गया था, तो काफ़ी टाइम ले गए। हाँ जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि नेक्स्ट ईयर नहीं कि इसी साल करें ओलंपिक क्वालिफाई, क्योंकि एशियन गेम से ओलंपिक कोटा स्टार्ट है, तो यही है कि मैन फोकस उसी पे रहेगा।